बताते हैं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद जी, जिन्होंने आज अपने समर्थकों से राय के बाद समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला किया। बात करते हैं इमरान मसूद जी से, आखिर किन विषम परिस्थितियों में उन्होंने फैसला लिया। इमरान मसूद जी, आपने आज अपने समर्थकों के साथ फैसला करके समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला लिया, आखिर क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति इस ओर इंगित कर रही है कि लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। उस परिस्थिति के अंदर मैंने समाजवादी पार्टी में जाने का निर्णय लिया। पहले कई बार इस बात की अफवाहें उड़ी हैं, चर्चाएं चली हैं पिछले 3-4 महीने से, कि आपने डिमांड भी रखी है कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन होना चाहिए, जब भी जो है भाजपा को रोक सकते हैं। आपकी बात नहीं मानी गई। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन वो परवान नहीं चढ़ सकी। अब वक्त निर्णय लेने का था तो हमने निर्णय लिया कि हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ जा करके उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, आप उनके बड़े चेहते गुटबू में माने जाते थे नेता, आपको राष्ट्रीय सचिव जैसा महत्वपूर्ण पद, आखिर क्या नहीं लगता क्या आपने उन छोड़ के उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा विश्वास तोड़ा है उनका? हाँ, लेकिन मजबूरी है, बहुत सारी मजबूरी होती है। देखिए, प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, उन हालात के अंदर उत्तर प्रदेश को ज़रूरत है कि एक ऐसा मजबूत नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर आए जिसके नाम के ऊपर भाईचारा मोहब्बत कायम हो, जो किसानों के लिए, जो नौजवानों के लिए, जो प्रदेश को विकास की ओर ले जाने के लिए काम कर सके। और वो केवल और केवल अखिलेश जी मुझे नज़र आते हैं, इसलिए मैंने निर्णय लेने का काम किया। आप कह रहे थे विषय समाजवादी पार्टी से शुरू हुआ था, क्यों टिकटों के बंटवारों को लेकर विवाद स्वरूप आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी, क्या लगता है फिर अब आप समाजवादी पार्टी में टिक पाएंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी में मेरा जन्म हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी, वादा कई बार आपस में हो जाता है, लेकिन मैं अपने परिवार के अंदर, जो मेरा जहाँ मेरा लालन पालन पोषण राजनीतिक हुआ, उस परिवार के अंदर वापसी कर रहा हूँ। और मैं एहसानमंद हूँ राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, उन्होंने मुझे बेहद सम्मान दिया और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत विश्वास भी किया। आपने मात्र अपने बलबूते पर सहारनपुर से 2 सीटें कांग्रेस की झोली में डाली थी, नरेश सैनी विधायक और मसूद अख्तर विधायक, क्या वो भी आपके साथ जा रहे हैं? नहीं, मेरा बलबूता कुछ नहीं है, बलबूता तो सब जनता का है, सब साथियों का सम्मान है और साथियों के साथ मैंने सबको कहा है, जो चलना चाहे चले, जो नहीं चलना चाहे उसकी मर्जी है। क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी भाजपा का मुकाबला कर पाएगी? निश्चित रूप से, समाजवादी पार्टी के अलावा और क्या है, समाजवादी पार्टी भाजपा का मुकाबला, भाजपा कहीं है नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की बनेगी। ये थे हमारे साथ इमरान मसूद, जिनका स्पष्ट मानना है कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है, आने वाली सरकार भी समाजवादी पार्टी बनेगी। सहारनपुर से न्यूज़ इंडिया के लिए राजेश सिंह।